हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज के वीडियो में हम लोग एक अलजेब्रा की प्रॉब्लम करेंगे कि जहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको सीरीज दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म है एक्स टू द पावर माइनस 2020, फिर नेक्स्ट टर्म है एक्स टू द पावर माइनस 2019, इस तरह से करके लास्ट वाला जो टर्म है एक्स की पावर 2020। तो बेसिकली आप ये देखो कि एस जो है हमारा यहाँ पे जो सम है, जो सीरीज दे रखी है, वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जहाँ पे कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है एक्स की पावर माइनस 2020, और कॉमन रेशियो जो हमारा है वो एक्स के बराबर है, यानी कि हर टर्म में एक्स हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि लेट एस इक्वल टू ये ले लेते हैं हम, जो भी सीरीज आपकी गिवन है, इस तरह से करके तो एस हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कि फर्स्ट टर्म आपका एक्स की पावर माइनस 2020 है और कॉमन रेशियो आर है। तो हमने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया सम फाइंड आउट करने का ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर दिस, यानी कि एक्स की पावर एक्स टू द पावर एन, यानी आर टू द पावर एन, आर यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो एक्स है, तो इसलिए एक्स की पावर एन, एन मीन्स आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में कितने हो जाएंगे, आप ये देखो कि यहाँ से लेकर के माइनस 2020 से लेके माइनस वन तक टोटल 2020 टर्म, और यहाँ से लेके एक्स की पावर वन से लेके 2020 तक यहाँ पे 2020 टर्म, और ये बीच में एक वन एक्स्ट्रा। तो टोटल हमारे पास टर्म कितने जाएंगे, एक्स की पावर 4041, और ये माइनस वन हो जाएगा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जहाँ पे कि एन हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म थे, ए हमारा फर्स्ट टर्म था, आर हमारा कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आर हमारा एक्स था, तो एक्स माइनस वन हो गया। अब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2021 माइनस अपॉन एक्स माइनस वन, यानी कि एक्स की पावर 2021 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, यानी कि एस हमें क्या मिल गया, एक्स की पावर 4041 माइनस वन अपॉन, ये नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 2020 और ब्रैकेट में हमारा एक्स माइनस वन, ठीक है, ये हमें एस मिला। अब हमारी कंडीशन क्या है, सिंस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, दिस मीन्स एक्स माइनस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन शुड ऑल्सो भी इक्वल टू जीरो, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा एक्स टू द पावर फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो, और ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू वन, ठीक है। तो अब हमें क्या हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम ये इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू वन, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वन, यानी कि इसको ब्रेक कर लिया एक्स टू द पावर 4041 को, इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया अपॉन, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा एक्स की पावर फोर, और यहाँ पे आ जाएगा 505, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी, तो ये वन हो गया, ये भी आपका वन हो जाएगा, ऊपर हमारा से बच जाएगा एक्स माइनस वन, और नीचे भी आ जाएगा एक्स माइनस वन, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, यानी कि दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वन वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, अगर एक्स की वैल्यू वन नहीं है तो उस केस में एस का जो सम, एस का जो जो सीरीज है उसका सम जो होगा वो वन के बराबर होगा, ठीक है, जब हमारा एक्स वन नहीं होगा उस केस में। एंड इफ एक्स इक्वल टू, अगर वन, अगर वन है तो उस केस में हमारे सीरीज का सम क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन, इस तरह से एक्स की जगह वन पुट करते जाएंगे, तो यहाँ तक हमारा प्लस वन, ठीक है, ये हमारा हो गया 2020 टर्म, ये फिर ये वाला जो वन था ये वन पुट कर लिया, देन अगेन वन प्लस, इस तरह से करके हमारा लास्ट में भी वन आ जाएगा, ये हम, ये भी हमारे 2020 टर्म है हमारे, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक वन पुट किया, तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा 4041 टाइम्स वन है, तो यानी कि एस का सम क्या हो जाएगा 4041, यानी एस जब हमारा एक्स वन नहीं है तो उस केस में एस की वैल्यू वन आएगी, ठीक है, और एक्स हमारा वन है तो उस केस में एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 4041। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।